हैप्पी एनिवर्सरी माय लव। आप तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे। हाँ, टूर बीच में छोड़ के आ गया, सोचा कि अपनी एनिवर्सरी अपनी स्वीट वाइफ के साथ सेलिब्रेट कर सकूं। आपके लिए चाय बना दूं? पहले पानी पिला दो। थैंक यू। सुनिए, रूम में मत जाइए। क्यों? वो रूम बहुत मैसी है और आपको मैसी पसंद नहीं है ना? वो तो है, लेकिन मैं भी तो देखूं मेरी बेगम मेरी अब्सेंस में घर का क्या हाल करती है। रूम इतना ही मैसी नहीं था। What the hell is this? Sorry. AC ऑन है, ऊपर से विंडो भी ओपन है। Sorry, मैं भी बंद कर देती हूँ। यार आरफा, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। मैं इतने महीनों घर से दूर जाके कमाता हूँ, एंड यू वेस्टेड लाइक दिस। मैं विंडो भी बंद कर देती हूँ। अच्छा लिसन, मैं क्विक शावर लेके आता हूँ, मेरे लिए प्लीज एक स्ट्रॉन्ग जिंजर टी बना दे। गुड। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। You can't say no to me. Thank you, Happy anniversary, my wife. ये लो बेटा, ये आपके लिए। अरे बस बस। Thank you. Happy anniversary. Thank you. Thank you. Thank you. अजमल भाई। मोइन मेरे भाई। Congratulations. मैरिज एनिवर्सरी की आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। Oh, thank you. शुक्रिया। मुबारक हो। वैसे तुम लोगों को कितने साल हो गए एक साथ में? Well, 18. वाओ। आप लोगों से एक सवाल पूछूं, मतलब एक ही इंसान के साथ इतना समय बिता देना बोर हो जाता होगा ना? मुझे देखो, दो दो वाइफ्स है, तीसरी ढूंढने चला हूं। मन तो करता होगा ना किसी के साथ गुटगू करने का? नॉट फॉर मी, मेरे लिए तो यही चार के बराबर है माई लाइफ। आता हूँ भाईजान। Excuse me. हाँ। वैसे वो क्वेश्चन आपके लिए ही था भाभी जान। Excuse me. मुझे पता है अजमल के अब्सेंस में तुम किसके साथ गुटरगू करती हो। तीखी मिर्ची। वाओ, क्या कह लग रही हो बेबी? ये वो भी क्यों, क्या हुआ? लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। कौन लोग? कौन है वो?
अय्यूब क्या बकवास कर रहा था? बोलना छोड़। अरे क्या कर रहे हो ये? ये भाभी जान साहब बकवास कर रहा था। क्यों? तब सुना नहीं जा रहा? ओए हाउ डेयर यू, क्या बकवास कर रहे हो? अजमत भाई मेरी बात सुनो, सिर्फ मैं ही नहीं पूरी कॉलोनी वाले दबी जुबान में बात करते हैं। ये शोएब रोज तुम्हारे घर पे आता जाता है, रात रात भर घर में रुकता है कोई जवाब? एक औरत के कैरेक्टर पर सवाल उठाना कितना आसान होता है ना? तुम्हारा क्या है, तुम तो भौंक के चले जाओगे और ये सब प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ेगा। अपनी इनोसेंस मुझे साबित करनी पड़ेगी। तो इसे प्रूव करो ना, जो जिना करता है उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। ठीक है, ये सब साबित करने के लिए कि मेरे और शोएब के बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है, इसके लिए मैं अपनी बेटी नासिया का निकाह शोएब के साथ करती हूँ। अम्मी ये क्या बकवास है, मैं अभी भी स्टडी कर रही हूँ और आप मेरा निकाह करना चाहती है? वो सही कह रही है, लोग तो बकवास करते ही रहते हैं, इस वजह से वो हमारी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सब कहना तुम्हारे लिए आसान है शोएब, कि तुम मर्द हो, अब लोग चुप नहीं रहेंगे, इसे हमें चुप कराना होगा। आई एग्री, अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि तुम दोनों निकाह कर लो। नो वे अब्बू, हमारे यहाँ जब लड़की सयानी हो जाए तो वो निकाह के लायक हो जाती है, और रही पढ़ाई की बात तो वो तो तुम शादी के बाद भी कर सकती हो, है ना शोएब? व्हाई नॉट। लेकिन अम्मी। बेटा प्लीज, शोएब भले ही तुमसे उम्र में बड़े पर वो सेटल्ड है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेंगे, है ना शोएब? हाँ नाजिया, मैं हमेशा खुश रखूंगा, विश्वास करो मुझ पर। मैंने हमारे रिश्ते के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दी है। मैं सब समझता हूँ अरफा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसके बदले मुझे तुम्हारी वफादारी चाहिए, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ अरफा, सिर्फ तुम्हारा। वाली मामली ड्रेस काफी हेवी थी ना, तो मैंने चेंज कर ली। अच्छा, इसे मैं भी चेकआउट करूंगा, बट फिलहाल अभी तुम सो जाओ, काफी टाइम हो चुका है। अंकल आपके फेस पे कुछ लगा है? सॉरी, मेरा इरादा आपको ऑफेंड करना नहीं था, बट थिंग इज जरा पापा की फ्रेंड होना हो तो हमेशा मैं आपको अंकल ही बुलाती हूँ, और आज आप मेरे शौहर हैं, बट जल्दी आई यूज टू गेट कॉलिंग यू जॉन। वैसे आपकी मशीन तो चालू है ना? पराई औरत को हाथ कैसे लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं किया बेबी। अपना प्रॉमिस भूल गए? You're scaring me अरफा बेबी। Really? तभी मौका मिलते ही लड़की पे चढ़ गए? You're scaring me now. Please put down the knife. But तुम्हें इतने करीब पाकर I'm still turned on, hard as rock. मेरी बेटी को हाथ लगाने के लिए। आई नीड यू बेबी, आई नीड यू। तुम मेरे लिए तड़पोगे और मैं तुम्हें हाथ लगाने नहीं दूंगी, और यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम
तुम पागल हो गए क्या? हाँ। इसका फिर सोहेब कोई देख लेगा। वो सोहेब। हाय, गुड मॉर्निंग। किचन में कैसे? आई थॉट आपकी कुछ हेल्प कर दूं मैं। अब मैं भी मैरिड हूं और अपना शौहर का ध्यान रखना अब मेरा भी फर्ज है। नहीं बेटा, वो गलती तुम मत करना जिसे मैं आज तक रिग्रेट करती हूं। तुम्हारी तरह मेरा निकाह भी कम उम्र में हो गया था और मैंने निकाह के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, इसे आज तक मैं पछता रही हूं। लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है, तुम्हें अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। ओके अम्मी। मैं अब्बू को बोलकर तुम्हारे 3 दिन की बात की टिकट करवा दूंगी ताकि तुम्हारी पढ़ाई भी लॉस ना हो और तुम कॉलेज भी जा सको। आरफा, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। अब कौन आ गया? तुम यहाँ कैसे आए? I'm sorry भाभी जान। Get out. आरफा, stop it. क्या कर रही हो? भाभी जान, उस दिन जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगने आया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। I say get out. आरफा, enough. आज मैं आपकी नहीं सुनूंगी। आई नीड यू। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। मैं आपको अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। क्या? यही कि यू हैव डबल स्टैंडर्ड्स। कहना क्या चाहती हो? यही कि शायद उस दिन मोइन सच कह रहा था दैट यू एंड अम्मी हैव समथिंग गोइंग ऑन, इसलिए उन्होंने हमारा निकाह कराया ताकि इसके आड़ में आप दोनों अपना मुंह काला कर सको। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर आने की? अब वो मेरी बीवी है, तुम इसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते। फिर भी शोएब, तुम नाजिया के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। अबू प्लीज लीव इट, बहुत लेट हो रहा है, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, अपने बैग से पैक करने। कल रात की मैं सॉरी। रेडी बेटा, चलो। चलिए। नाजिया बेटा, कल रात के लिए आई एम सॉरी। अब मैं शोहेब से बात करूंगा, वो दोबारा कभी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। आई प्रॉमिस। अबू, मैं अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए, अपनी फैमिली के लिए सैड हूँ। क्यों नाजिया, क्या हुआ? शोहेब से शादी के बाद मुझे फील हुआ दैट मोइन वाज राइट, अम्मी और शोहेब का रिश्ता नॉर्मल नहीं है। व्हाट? शोहेब! मुझे गलत लगता था तू फ्रेंड है, हराम साथे तेरे से तो अच्छे 100 दुश्मन होंगे।
मेरी बच्ची को चोट पहुंचाई तुझे तो मैं मार डालूंगा।